ए जगत रे प्रतिटी जीवर उपादेयता रही मनुष्य गोमाता पशु पक्षी सर्प कीट पतंग से जी भी हूँ ना कहीं समस्त सृष्टि पछरे ईश्वर निश्चय किसी ना कि कारण रही अतए पृथ्वीर कौन सी प्राणी को अनावश्यक मन कर समस्त अवदान ही ए पृथ्वी समृद्ध उपनिषद यह उबंत सूत्र बोली कह सभी संभवतः ही जीवन जापन करवा उचित प्रत्येक प्राणी को मर्यादा और सम्मान दबा उचित ए समस्त कथा कहिबार कारण आपण को चारिपाखे कौन सी व्यक्ति को अदरकारी बोली भावंतु आपण खाउथिबा अन्न पछरे आपणकर श्रम नहीं शस्यर जत्न आउ किए नौचे पाक मध्य आउ कि प्रस्तुत करुछि प्रच्छद पटरे थिबा प्रत्येक मनीष आपण को आपणक अजाणतरे समृद्ध करिछन्ति समस्त को सम्मान करूँ निजे मध्य सम्मान रो अधिकारी हूँ। खाली सेतिक नुहे सखी पांडव मानक भविष्य मध्य तुम सहित तो जोड़ी है जी। बल्लरी बल्लरी मो प्रिय सखा को पई आसन नहीं आसो सखी तुम्हारा अभिमान अन्य कहा पई अपमान न हो क्षमा करिबे सखा मो मानसिकता रे तीव्र विवर्तन अप्राप्ति ही यार कारण सखी किंतु मने रख खूब शीघ्र तुम्हें चरम प्राप्ति अनुभव करिबो तबे भविष्य को दर्शन कर कौन देखिले सखी सका मुझे मोर प्रिय भविष्य को देखिली तेबे एबेठू प्रस्तुत हो सखी तुम्हें हेबो कोटीरे गोटीए तुम्हें हेबो द्वापर युगर महान नारी अभिमन्यु जन्म हेबा परठू बेळकु बेळ समय कठोर पालटीथिला इंद्रप्रस्थ पई महाभारतर लेलिहान अग्नि जाळी छारखार करथिला दुई प्रमुख मूलक को गोटे हस्तिना आउ अन्यटी इंद्रप्रस्थ मयमुनि निर्मित इंद्रप्रस्थ पालटी जाइथिला श्मशान रुग्ण दिशुथिला राजवाटी रही रही बाहुनुथिला इंद्रप्रस्थर जनशून्य राजपथ अभिमन्युंक मृत्यु परे तंक पत्नी उत्तरंक कपाल भी दिशुथिला आकाश परि शून्य कांदिबा को दियो उत्तर अनेक दिन धरी एक क्रंद नहि पांडव मानक पई एक आभूषण पलटि जाय जुग सरीजीव किंतु मो पुत्र अभिमन्यु पई ता महार क्रंदन केबे भी बंद हमनि अभिमन्यु को मृत्यु मते भी जीवन शून्य कर दे राजमाता पत्नी हिसाब से तुम मो पुत्र को जी स्मरण कर हिसाब से मुझे सत्येक बार स्मरण किंतु करे विधि विधान जहाँ को आमको स्वीकार करने को मो पुत्र अभिमन्युर जन्म
पांडव मानक जी आनंद देला आगमन पूर्वर किंतु समस्त अलक्ष्य अन्य एक अघटन अयम आरंभ हो सारी अघटन को अघटन कथा कहते राजमाता चलंतु से अपमान प्रतिशोध नवापाई दुर्योधन व्याकुल उठिथिले दुर्योधन कौन कले तापरे जहाँ भी हैला सेथिरे दुर्योधन अपेक्षा गांधार नरेश शकुनी जथेष्ट अधिक अवदान थिला कौन करी थिले से अपमान प्रतिशोध पांडव मानक उपरे नवा पाई गांधार नरेश एक पशा खेल आयोजन करथिले मोर दान छ धन तो दान मामा श्री मोर चार पिता श्री एबे दान छ पड़ी विजय मोर मो राज्य एबे सुरक्षित धर्मराज युधिष्ठिर दान तो चार धान तो चारि पड़ी ताने बाजी जीतिली किपरि संभव किछि क्षण पूर्व तो दान छा पूर्व दान कौन थिला से कथा कहवा किछि आवश्यक नहीं धर्मराज से कथा कहिबे एठी उपस्थित सभा सज्जन माने ए पर्यंत पसा काठिरे केही स्पर्श सुधा करि नहंती जो दान चार थिला एबे भी से चार अछि जदि दृश्यमान न होछि ताले भल भावरे एबे आपण क हस्तरु आपण क राज्य चली गला एबे आपणक राज सिंहासन मो धन दुर्जा धन आज आपणकर इंद्रप्रस्थ मो भाणजा दुर्जा धन राज राजेश्वर पदवी हरे आपण एबे राज रास्तार क्यों शत्रु धर्मराज तेबे आउ विलंब काहीकि आपणकर से राज चक्रवर्ती मुकुट एबे मो हस्तर अर्पण करंतु अर्पण करंतु तापरे कौन हला से पसा पाले रे निज राज्य को हरे सारिबा परे धर्मराज युधिष्ठिर को निज भ्राता मान को मध्य बाजी रे लगेबा को पड़ीतिला आउ शेषरे दुर्योधन चाहूतिला इंद्रप्रस्थर महाराणी द्वापर युगर सर्वश्रेष्ठ नारी भगिनी द्रौपदी को बाजी रे लगेबा पाई
हे सखा गोविंद तुम्हें एवं पांचाली की हे गोविंद पांचाली तुम्हें एवं सुरक्षित सुरक्षित जो मैंने स्त्री को सुरक्षा दे पारती से मो स्वामी कह आज आज ये अधर्म सभा द्रौपदी उलग्न है उलग्न है पंचु पांडव का पुरुषार्थ द्रौपदी अभिशाप दौची दुर्योधन को कृत कर्म फल अवश्य मिल सहित अधर्म सभा जो माने भी दृश्य को आखि खोली उपभोग कर दंड अवश्य मिल से दिन भ्राता गोविंद सिन्हा भगिनी द्रौपदी को सुरक्षा देले किंतु सेठ महाभारत युद्धर सूत्रपात हला आउ ता परे पांडव मानंकु द्वादश वर्ष वनवास ओ एक वर्ष अज्ञातवास आज्ञा देले कौरव कुल काहेकि ना दुर्योधन निकटरे पांडवगण निजकु हारि सारिथिले आउ सेतबेले ना तांको पाखरे अन्य किछि बाट थिला ना उपाय शर्त थिला पांडव माने बनवास सारी आसिबा परे दुर्योधन सेमानंकर मूलक इंद्रप्रस्थ फेरे दबो किंतु पांडव गण बनवास समाप्त करि फेरिबा परे दुर्योधन स्पष्ट भाव शुणी थिला बिना युद्धे देबी नाही सूचक्रे मेदिनी बास एठु आरंभ हैला महाभारत एक भीषण युद्ध युद्ध रे भ्राता गोविंद तत्वावधान पांडव माने विजयी हेले सत किंतु सबु किछि हरै सारिबा परे मु भी हरै देली मो पंच पुत्र प्रिय पुत्र अभिमन्यु को भी पांडव मैंने हरदेले से शुभाकांक्षी मान सबू तो विधि विधान जहाँ घटवार अच्छे तो ईश्वर चाहिए भी बदल पारे महाभारत युद्ध को अतीत कर पांडव कूल भविष्य को देखा पड़ आता भविष्य निर्माण करने को पड़ आप ठीक कहते राजमाता ये पांडव कूल एकमात्र भविष्य एकमात्र आशा एकमात्र भरोसा मो प्रिय दिगंबत पुत्र अभिमन्यु को संतान परीक्षित परीक्षित आखिरे आमे आम खुशी देखा चाहूँ आम आशा देखा चाहूँ मोर किंतु से दिन सब खुशी सरीगला जो दिन द्वारिकार आसी अर्जुन संवाद दे गोविंद सब दिन पे धराधाम त्याग कर भ्राता बिना बचा तो मो जटिल सखा बिना गोटे मुहूर्त मत
गोटे कष्ट दूची किंतु तथापि मत बचा अच्छे महाभारतर करल परिणाम को आम समस्ते भोग करे एवं आगामी समय को सजाड़ा हे आगामी समय बोली किछि नाही उत्तरा गोविंद मृत्युर संवाद पांडवकण निश्चित भाव कौन से गोटे बड़ निष्पत्ति संभवतः कल सका से निष्पत्ति आमको जनई पारती गोविंद इच्छा से आई हो कल सका प्रस्थान ही चरम सत्य सख गोविंद पुनः मिलन निमंते आमको एवं ही ए रक्तमांसधारी शरीर को त्याग करने को पड़ो से कालमिलम नक उत्तर दिगक जात्रा करने को जदि यह मो सखा गोविंद इच्छा तेज मु अत्यंत आनंदित स्वदेह स्वर्ग जात्रा करने सौभाग्य टू कम नुहे मत डाकिले भ्राता हाँ भद्रा माता कुंती द्रौपदी एवं आम समस्त पांडवगण एक निष्पत्ति निष्पत्ति आम मैंने स्वदेह स्वर्ग यात्रा करिबो किंतु किंतु कहीं के भ्राता अपन मने स्वर्ग यात्रा पाई व्यस्त कहीं अनुतापर निया रे जीवन को तिल तिल कर चलने अपेक्षा स्वदेह स्वर्ग यात्रा करिबा अत्यंत आनंददायक भद्रा हाँ भद्रा आमरी मानक पाई इंद्रप्रस्थ रे पीढ़ी पर पीढ़ी समस्त कष्ट पाइबे आम चक्षु सम्मुखरे आमे वैधव्यर करुण दुख देखुछु आमरी चक्षु सम्मुखरे आमर सैन्य सामंतक विकलांग रूप देखिछु एसबू आम असह्य ठीक अच्छे तबे तबे मु भी आपण मानको संगे जीवी नाही भद्रा तुम ऊपर अनेक दायित्व अच्छे एबे ते तुम कर्तव्य आरंभ हो कर्तव्य भगिनी आपण माने को कर्तव्य कथा कहउचंदी भारत वर्ष गठन रो दायित्व भारत वर्ष मु अग्रज हिसाब रे तुमको निवेदन करूची सुभद्रा जे पर्यंत अखंड भारत वर्षर पुनर्निर्माण न होई से पर्यंत तुम परीक्षित सहित रहिबो मना करनी भद्रा तुम्हें पत्नी स्वामी को पतन रक्षा करिबा तुमर धर्म आज कौन तुम मत स्वदेह स्वर्ग यात्रा करिबारु वंचित करिबो जदि आपण समस्त इच्छा तेबे मु इंद्रप्रस्थ रे नहीं परीक्षित पालन बहन करी आउ भारत बर्षर पुनः निर्माण पाई प्रयास जारी रखी एबे आमको विदाय नबको विदाय भद्र विदाय किए जाने क्यों दिन क्यों जन्म रे पुणी क्यों टी देखा सब से गोविंद विलंब करनी अर्जुन लग्न गढ़ी जाऊँ
पांडव गणक कथा को स्वीकार करी परीक्षित दायित्व मु ग्रहण करुछि जीवन रो कोनोसी परिस्थिति रे मु परीक्षित को निसंग हवा को देबे परीक्षित ही हेबे आगामी भारत वर्ष रो पुनर्गठन रो एकमात्र कारण धार्मिक आध्यात्मिक और प्रजानुवत्सल हेबे परीक्षित आ एहा ही हबो परीक्षित प्रति मोर सकल दायित्व।